जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल ने दोस्तों का? ठीक ठाक हो, खैर खरीद हो दोस्तों? आज माशाल्लाह जुमतुल मुबारक है, अस्सू का दूसरा जुमा है। तो कई शहरों से अज वन डे टूर्नामेंट उड़े ने, तो जो तीन वह टूर्नामेंट से वो कैंसल हो गए थे बावजह चैलू में इमाम हुसैन लहे सलाम उसकी वजह न सारे टूर्नामेंट कैंसल हुए। तो कई इलाके अज वन डे टूर्नामेंट कोई एक छोटा मोटा टूर्नामेंट मैं भी उड़िया। तो एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अजीज़ और मेरे उस्ताद दे बजा ने उस्ताद चौधरी इम्तियाज जट साहब, उन्होंने माशाल्लाह खाना शाना सी दोपहर का, खाना शाना खादा बड़ा मज़ा आया। तो उन्होंने नाल ही साढ़े फैसलाबाद की बड़ी पहचान सी रिफत शाह साहब, उन्होंने हम नवाला हम प्याला बड़ा हम टाइम अच्छा गुजरिया उन्होंने। रिफत शाह साहब की डैथ तो बाद उन्होंने कबूतरबाजी बिल्कुल ही खैरबाद कहती, बड़ी कबूतरबाजी की, उन्होंने बड़ी गुफ्तगू हुई कबूतर के हवाले न, शाह प्रवास कबूतरों के हवाले न, कबूतरबाजी से रिलेटिड। तो बड़ी खुशकिस्मती के नाल हम नाम भी ने जे मैं दोस्तों को तारफ करावगा उन्हों का, तो उन्होंने को रिफत शाह साहब की गल्ला पुछांगे कबूतरबाजी के हवाले न, शाह साहब किस तरह का शौक करते सी, की मामला से शाह साहब द, किस तरह वो मतलब बाजिया खेडते, की बाजी इंटरस्टेड बाजी की सी, तो उस दौर च बाजी किन्ने की लगती थी, तो बाजी के की असूल होंगे सी। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर गपशप करांगे। दोस्तों मेरी वीडियो वॉइस क्लियर है? मैं सब अपना नेट चलाओ, जरा नेट चला के मैं दे दो। दिखा ना रिजल्ट वगैरह ठीक आ रहे हैं? जी काशी भाई की हाल है? ठीक ठाक हो, खैर खरीद दे नाल हो। नेट देख रहे हैं बहुत ठीक चल रहे हैं, वो गलबात के शुरू कर दो। तो जी बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, कासिम मलिक साहब बहुत शुक्रिया। लो दोस्तों पहले मैं दोस्तों का तारफ कराना चाहवा। सब तो पहले साढ़े बड़े अच्छे दोस्त बड़े अच्छे भाई, और माशाल्लाह काफ़ी देर पहले मैं मलक फरूक खान साहब के ब्रिटिश कबूतरों का शौक करवाया से, अज फिर माशाल्लाह बैठे हैं जिहड़े अज तुहानू दोस्तों कबूतरों का शौक करवावांगे। उम्मीद है इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा गुफ्तगू का। जी मलक साहब की हाल चाल है? ठीक ठाक हो, घरबार सब खरीए थे? बहुत शुक्रिया जी। लो वो साजी उस्ताद हाजी अदल साहब माशाल्लाह, आरफ साहब ए जी हाल ही मुकीम माशाल्लाह सऊदिया रहे ने 30-32 साल, उत्थे ही इन्होंने शौक किया वा, तो उदो बाद फैसलाबाद आए ने, तो अज जिस जगह से अभी मौजूद हाँ। बड़ी रिक्वेस्ट सी इन्हों की कबूतरों का शौक करन दी, फिर अभी खाना छाने तो बाद जी लाइव भी चला लीए कि गुफ्तगू करिए नाल दोस्तों लै ली कुछ मज़ा आए। जी आई साहब की कहना चाहोगे? माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर, बड़े अच्छे परिवार ने मालिक शाह साहब के शाह प्रवास कबूतर, कबूतर 40 साल बाद देखे ने। क्या बात क्या बात। लो जी तो हूँ चलने जी जी अज मौजू गुफ्तगू है बड़े साढ़े फैसलाबाद शहर की रौनक उस्ताद रिफत शाह साहब दे बड़े हम नवाला हम प्याला उन्होंने हमेज तो उन्होंने बड़े भाई सी, तो किस्मत इन्होंने नाम भी रिफत शाह साहब है। थोड़ा जहा अगे हो शाह साहब जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शाह साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शाह साहब आप, मैं तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगा आपसे आज मिलके गुफ्तगू की है, बड़ा मज़ा आया, आपसे कुछ सीखने को मिला है कबूतरबाजी के हवाले से, और रिफत शाह साहब का जिक्र हुआ, उनकी आपने बातें बताई, बड़ा मज़ा आया। तो अब रिफत शाह साहब के पहले आ जाते हैं। शाह साहब कितनी क्या ये थी उनकी, जब से शाह साहब ने शौक शुरू किया फैसला? बचपन तो लैके उन्होंने 45 साल तक भी तकरीबन उन्होंने 50 के नज़दीक शौक रखे है। माशाल्लाह ऐसी बच्चे सी छोटे से बाजियाँ देखते सी, चोई जुमान सी, बहु खालिद हो रही सी, तारक हो रही सी, बाई हो रही सी, बई शफी हो रही सी, और काफ़ी सारे बंदे होंगे सी बड़े। उन्हों का एक कबूतर बाजियां दे विच उपर शाम तो जेड़ दे विच 5 बजे आया, अड्डे ते बैठा, लिखिया गया, वो कबूतर झोला खा के नाल ही नज़दीक छप्पड़ सी उन्दे च गिर गया, वो जाके फड़ के लैके आया मैं, तो लैके दे जिससे तो मैंने उन्होंने कहा यार तू पुत्र की किया हैगा, तेरा हशर की है, मैंने जुतियाँ मार के लैके आए। कहने लगे कबूतर मर जा, कोई गल नहीं सी, तेनों की हो जाता। वो बाद दे विच शौक दे विच उन्होंने कहा तेनों शौक है तू रखने चाहना है, तो अपनी जिंदगी तो पहले कुछ थोड़ा सा अरसा उन्होंने मैंने ओह ही कबूतर 3 कबूतर होर दे दिते, वेचने नहीं जिबा करके खा लें, देने हुण किसी नूं वैसे दे दें दोस्त नूं, वेचना नहीं है। उन्होंने अरसा दराज हो गया 40 साल मरिया अज तक नहीं मतलब उन्होंने जानवर वेचिया, अपने शौक ना रखे ने। कबूतर बाज सारे तकरीबन पछाण है मगर नहीं आई जाइदा किसी को कबूतरबाजी के लिहाज के नाल, तो हालात जमाने के खराब है। खराब बेशक बेशक। तो इस वास्ते कबूतरबाज जड़े ने मतलब दे विच ने होंदे ने, कोई बंदा होंदा मुखलस होंदा जड़ा कहंदा जी मेरा मतलब है कि शाह साहब सानू शौक करा दियो, दिखा दियो जो भी कुछ है, सोना चांदी मिट्टी जो भी। बस टाइम लोग ऐसे होंदे ने, साडा एक दोस्त है उन्होंने मैं दया ने जनाब उन्होंने कोल ने शाह प्रवास और देखने वाले, बाकी अगे 40 साल दुनिया बदल जाती है, कहते साड़ी भी इस वे 73 साल की उम्र हो गई है, वो तो 45-50 के दरमियान के बच्ची फात हो गए थे। नाम ने इन्हों प्यार मुहब्बत से अज भी बहु खालिद होर प्यार मुहब्बत है, कदे कदे मिलते हैं रखते हैं, अजक बहुत उपर चले गए जानवर माशाला उन्होंने बहुत रखे मगर असी नहीं उड़ा अपने घरों मतलब ये चीज़ में अच्छा बड़ा गैबर तारफ है ना लोगों से दोस्तों सॉरी नैट जरा डिसकनैक्ट हो गया सी ते दोबारा आ गए लाइव जी जी। ते बाकी इंशाल्लाह जड़ी गुफ्तगू कर रहे थे शाह साहब दे नाल जी। शाह साहब जी भाई रिफत शाह साहब दा जड़ा सिंगा जी उन्हां दी कबूतरबाजी कोई इस कबूतरबाजी नालों अजकल दी नालों कुछ होर ही चीज सी, वो समझदार सी, लोगों नूं भी समझांदे सी, अपनियां नूं भी समझांदे सी, दूसरियां नूं भी समझांदे सी, शागिर्दां नूं भी समझांदे सी। बहु खालिद दा बड़ा प्यार सी, बहु तारक दा बड़ा, भाई शफी दा बड़ा प्यार सी उन्हां दे नाल, आना बैठना उठना जाना कबूतरबाजी के लिहाज न हर फड़कां शड़कां ये वो देखनिया जी। पंजाब से वो 3-4 बंद मैं नाम नहीं याद ने, बस उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू करनी बैठना, तो असी एक साइड से होकर बैठे रहना, देखना उन्होंने जिस वे चले जाना कहना तू कबूतरबाजी तो बाज नहीं आता हटता नहीं, तो मैं कहना जी नहीं मैंने शौक देखने शौक करने है देखने अच्छा कहें ठीक है। एक दफा याद है मैनू बाजियां लगियां तो मेरे को बदम रुड़वा रुड़वा के बैठन के पता नहीं की मसाले मसूले पाए, मैंने तो पता नहीं बहरहाल वह चीज़ा जनाब बना के दे के गोलियां कहते हूँ तू कबूतरबाज बन गया है कि सही चीज़ बन गई, सही रगड़ाई लगी है हूँ तू कबूतरबाज बन गया। बस कुछ कुदरत ने फिर कुछ अर्सा बाद उन्होंने जिंदगी सी जी खत्म हो गई, तो उन्होंने बीमारी की वजह करके वो तकलीफ उन्होंने रही है सी, उसके बस अल्लाह ताला दे कोल चले गए। बस मरण तो पहले बारह लो दो जोड़े सी कहंदे सी सारे ले जा, मैं कहा जी नहीं, बस कहंदे आ फिर दो जोड़े सारी जिंदगी रखी रखी जब तक जिंदगी है क्या है तू याद ही रखेगा कि हाँ कोई है सी। हाँ जी ना बेची ना किसी नूं फजूल कबूतरबाजा च जाके बैठी, कोई जरूरत नहीं तेनों अपने घर का शौक रखी बस। और एक मेरे दोस्त ने बहुत खास अरसे दराज तो 25-30 साल तो अली साहब, उन्होंने बस फिर मेरे नाल बड़ा प्यार सी बैठना, वो फिर मैं क्या यार तुसी भी रख लो बिच हूँ असी भी बुढ़े हो गए तो उम्र हो गई है माशाल्लाह हूँ साड़ी उम्र 73 साल की हो गई है, वो भाई सी साढ़े अजीज सी साढ़े उन्होंने थोड़े अरसे जी डैथ हो गई, दरअसल बीमार रहते उन्होंने वजह करके उन्होंने मगर अच्छा। जो शौक उन्हों का देखे अज तक मैं उस दादा का उन्होंने शौक नहीं देखा, इज्जत और एहतराम नहीं देखा, सिर्फ कबूतरबाजी को सलाम करते हैं इंसान को सलाम नहीं करते। बेशक बेशक। कबूतर है ठीक है जी तल्लकात बना लो जी कबूतर ले लो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इंसान के नाल तल्लकात बनाओ, इंसान अपनी खुशी नाल चीज़ दे। बेशक।
और उन्होंने अपने कुछ देते, कुछ भाई राहत ने कुछ उन्होंने देते, लोगों दे देते। तो जेडे मैंने कबूतर गिरया सी आन के, मैंने वो कबूतर दिता सी उन्होंने, जना जोसरा कबूतर सी जिन्हें नील दुमा सलेटी दुमा जी, अजकल पता नहीं है कि उसने नस्ल दस रहे थे। हूँ वो चीज़ा साढ़े को अगे तो अगे अगे 40 साल 35 साल हो गए उन्होंने मरिया, वो साढ़े को चलिया आ रही ने, असी रखी अपने सिर्फ अपने शौक तक, बाहर नहीं दोस्तों इधर उधर नहीं जाना, बाजियां नहीं लानी, मगर उड़ते हैं और बेअंतहा उड़ते हैं, जिथे उड़ते हैं बेअंतहा उड़ रहे हैं। हूँ लाहौर च उड़ रहे हैं छत के उपर, शाम को घर ही नहीं बैठे, दो बच्चे बच्चे दो नहीं घर बैठे, निकल के नहीं बैठे, निकल के नीवे आन के बच्चे दो नहीं बैठे, दो कबूतर 6:27 बैठते पे, पहला कबूतर 3:00 5 मिनटा बैठता पे, ये उही कबूतर ने उन्होंने जेडे जनाब बैठ रहे हैं और आ रहे हैं जाने रहे। वो भी मेरे मामा जी के बेटे से, उन्होंने बड़ा प्यार से, भाईजान दे दियो सानू, असी रखिए असी उड़ाने। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा लो जी लो फिर मेरा पुत्र तुसी उड़ाओ, बच्चे हो छोटे तो शौक करो, शौक करते ने इस तरह। अच्छा शाह साहब, रिफर शाह साहब ने मतलब जो पहली बाजी उड़ाई उदो तुसी नाल सी उन्होंने? उन्होंने नाल सी जी, बड़ियां बाजियां थी, पता नहीं किन्ने किन्ने दे नाम हुंदे सी जी उन्होंने, वो सानू तो ना ही नहीं आता, हूँ तक नहीं सानू पता सी। 73 साल के हो गए मैंने, 60 साल हो गया फैसलाबाद से उन्होंने खिदमत, तो लोगों के हूँ भी नहीं पता। कुछ दोस्त ऐसे ने, खान साहब ने साडे, अली भाई ने, हाँ जी हाई साहब ने, वो बस इन्हों के नाल एक दूसरे का अली भाई तलका सलाम दुआ आँदी है, इन्होंने तलक उन्होंने नाल साड़ी तलका सलाम दुआ करा दिंदा, हाँ जी हाजी बारी साहब नाल सलाम दुआ करा दी, होर इस काफ़ी सारे ने जोड़े दोस्त बारे, क्योंकि असी कबूतरबाजी जी है ना, वो दूसरा बाद च गाल कड़ता है, सानू बुरियां लगदियां ने, बदनीयत हो जाते हैं, तो ये चीज़ा सानू अच्छी नहीं लगदियां। असी सैयद बरादरी के बंदे हैं, तो सानू सिर्फ इन्हों दाना पाने का शौक है, ना सानू व्यापार का शौक, ना बेचन का शौक है, कोई गल दाना पा छी लिया के असी पा के देने। अली भाई है साढ़े, उन्होंने अगे असी जान हाजिर है, उन्होंने दिखे जेड़ा मौजूद झाड़े चुके लै जाओ, भावे सानू किस कबूतर शौक कराओगे तुम? थोड़ा पीछे करो माशाल्लाह दोस्तों, ये शाह प्रवास कबूतर है, तो बड़ा ही कमाल रिजल्ट इस कबूतर का, इस पेयर का। देखने वाले दोस्त कह रहे होंगे शायद टैडियां चो को मतलब कोई टैडियां चो बने ने या टैडी ने, लेकिन बिल्कुल नहीं ने, शाह प्रवास प्योर असल शाह प्रवास कबूतर ने, जिस तस्दीक रिफर शाह साहब ने करती है। हूँ कुंदा दिखाओ, नीचे करके दो, ठीक है कोई नहीं, थोड़ा नीचे करो जी। है दोस्तों कुंदे का शौक करो, लेकिन कड़ीच पे ने, तो फिर भी जिथे तक हो सकेगा तुम शौक कराने। माशाल्लाह पूरा बैलेंस कबूतर का, बाहर वाले पर देखो माशाल्लाह, खोल के रखो बस, ए दस ए बड़ी एक अच्छी चीज़ माशाल्लाह, बाहर वाली तिने पर किस तरह स्टेज जाके बाहर तलवार तरह, माशाल्लाह बड़ी एक जो कबूतर के अंदर परफॉर्म होनी चाहिए है। तीली देखो माशाल्लाह, बहुत पढ़ के रखा करो माशाल्लाह, अंदर वाले बगल 10 पर देखो, ठीक सिर्फ हम इधर ले होगा, बस ठीक है। यह देखो जी माशाल्लाह, एक अच्छा प्रवास ब्रीडर नर्द में शौक करवा रहे हैं, चौधरी खुरम कुमन साहब के माशाल्लाह कबूतर ने, थोड़ा बस उतर रखो वाला उन्होंने ठीक है। मादी थी हूँ जी उस कबूतर की मादी पहले आख हूँ नहीं इदा ना कराओ, पहले आख तो शुरू जिदा पहले
थोड़ा नीचे हूँ करो। लो दोस्तों पहले इसकी नर का शौक करवाया से थानू, हूँ मादी का शौक करा रहे। देखो जी माशाल्लाह नूर कबूतरी की अख का हर चीज़ शाह परवाज़ा ली रियल जिहड़ी हुंदी कबूतरां दे विच परवाज़ असल गर्मी 49-48 टेंपरेचर जे ऐले कबूतर माशाल्लाह आ के मुड़े मरदे ने, जिहदी मिसाल रिफा शाह साहब ने दे चुके ने कि गर्मी दे वक्तां जे माशाल्लाह कबूतर उड़े ने, ते रिफा शाह साहब दा जिन्हां ने नाम बनाया अज तक लोगों को पेर बहुत घट पे ने असल। चुन देखो माशाल्लाह बिल्कुल ब्लैक नहीं, ब्राउन चुन जे बड़ी अच्छी चीज़, एक सारी क्वालिटियाँ आउट क्लास ने। हूँ पर दिखाओ थोड़ा नीचे करके, नीचे सारा नीचे लाओ इतने, ए देखो माशाल्लाह बिल्कुल कड़ीच पेर नज़र आ रहे हैं, मैं दस ही रहा ना। ये देखो माशाल्लाह बाहर वाले पर पूरी तलवार स्ट्राइड स्ट्रेट पर, अंदर वाले माशाल्लाह बगल यह पर दी एक बड़ी तारीफ होंगी कबूतरबाजी से, यह वाला पर कहते जिस कबूतर या मादी या नर च आ जाए वो ब्रीडिंग वास्ते बहुत बहुत कमाल होंगे जी। हूँ अख दिखाओ बड़े लाइट वेट कबूतर ने माशाल्लाह, कोई वेट नहीं इन कबूतरों का, बड़े लाइट वेट और कबूतर थोड़ा बुरा महसूस कर रहे हैं अज तक, जट साहब ने हच नहीं पकड़े तो अच्छ हच पकड़े ने रब कबूतर माशाल्लाह बुरा महसूस कर रहे हैं। चलो जनाब पंजे दिखाना जी। लो दोस्तों माशाल्लाह पंजे चेक करो, बड़े डार्क पिंक पंजे ने, बस पेर पेर दो ही नार के थे, बस सीधा ले आना छठा ही। लो दोस्तों माशाल्लाह शाह परवाज़ असल पेर मादी सही पकड़ी, मैंने पकड़ा था निकलना एक मिनट। यह माशाल्लाह जी पेयर शाह परवाज़ बिल्कुल एक नंबर आउट क्लास पेयर, जिदे रिजल्ट परफॉर्म बड़ी अपनी मिसाल आप है, बड़ी छत परफॉर्म दे रही इन्हों की एक नस्ल, एक कबूतरी मेरे को भी माशाल्लाह उड़ी जेट दे विच और बड़ी अच्छी परवाज़ दी थी जेट दे विच कबूतरी ने जी। फरूख खान साहब सर मलक फरूख खान साहब 219 वाले माशाल्लाह ते बड़े अच्छे कबूतर ने, इन्हें कोई मैं शौक करवाया सी दोस्तों नु जी। खान साहब मजा आ रहा तुहानू माशाल्लाह शौक करके? माशाल्लाह सारे ना कोई सानी नहीं ना कबूतरां दा। अच्छा और जट साहब वाले कबूतर जेड़े माशाल्लाह ऐ मुकम्मल कबूतर ने और रिफत शाह मरहूम साहब वाले कबूतर ने और रिफत शाह साहब दे रेफरेंस से ना को आए ने और माशाल्लाह जिथे भी दिते आ कबूतर दा बहुत याद रिजल्ट रहा कबूतरां दा, बड़े अनबीटेबल रिजल्ट आ कबूतरां दे और मैं अपनी लाइफ विच बहुत घट ऐसा दे कबूतर वेखे ने जेडे इस टैंपरेचर भी मसला अपना बरकरार रखते हैं माशाल्लाह। बाकी सारे कबूतर तो बहुत सारे लोगों को और शाह परवाज़ कबूतर बहुत सारे दोस्तों रखे हुए हैं लेकिन इन्होंने कबूतर एक अपना रिजल्ट है माशाल्लाह, अपना ही रिजल्ट है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हूँ चलने जी रिफत शाह साहब की जानब, शाह साहब मैनू यह दसो और जो रिफत शाह साहब से वो जी बाजियाँ उड़ाते थे की तरीकेकार हों उदो ठा की बाजी लगती थी हिट की या एवरेज की? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੁਆਨਾ ਖੇਲੋ
शौक करो पता लगे दुनिया नू कि जानवर किन्दे अच्छे उड़ रहे हैं किन्दे अच्छे उड़ रहे बिल्कुल उन्होंने कदे झूठ नहीं सी बोलिया कदे बेईमानी नहीं सी करी कदे किसी नाल धोखा नहीं सी करिया एडे एडे फैसला बाद उस्ताद बैठे ने कोई आन के दसे कि उन्होंने यह धोखा किया या फ्राड किया या सिर्फ उन्होंने शौक से अपने जानवर पालन का रखन का जिवें औलाद पाली दी इश्क करते सी इश्क करते सी उन्होंने नाल सारी जिंदगी उन्होंने अपनी शादी नहीं हुई उन्होंने सारी जिंदगी अपनी कबूतरबाजी चला जानवर मेरे को लाए हुए मेरा ना भी उन्होंने हम नाम से असि छोटे सी बहुत वो बड़े सी अरसा दराज हो गया उन्होंने मतलब वफात पाया मगर असी उन्होंने जानवर अपने सीने ना संभाल के रखे ने दुनिया की हर शहर छड़ी हुई है उन्होंने जानवरों की हिफाजत करी दी अच्छा दाना पाई दा 140 रुपए किलो दे दाने दे चने पाई दे ने अच्छे तो अच्छे दाना कोई आन के किसी ने शौक हो देखना हो तो देख सकता कि शौक रखी दा किस तरह है क्योंकि उन्होंने मेनू प्यार सी उन्होंने मेरे नाल बहुत प्यार सी मैं कदे उन्होंने सामने बैठा नहीं सी और उन्होंने पिछे खड़ा रहा हूं भाई ये बड़े उन्हें कहना बेंच खिंच लै और मैं कहना नहीं भाजी तुम बैठो बस बैठो मैं बैठा है जी किसी वक्त ऐसा हो जाना मैं उन्होंने मोढ़े दबान लग जाना वह कहना नहीं यार वो बच्चे आ गए स्कूल दे बस वो बच्चे क्योंकि ग्राउंड बैठे बच्चों पढ़ाते होंगे उन्होंने बच्चों पढ़ाने का बड़ा शौक है तो वह बच्चे अपना भी सारा दारोमदार उन्होंने नाल चलता रहा मगर वह वक्त से अजकल के उस्ताद ने जो बस वड़ियाइया करते रहते हैं जी शाह दुनिया को हो गए शाम तक उड़ते हैं असं लोगों के असं ये नहीं कहते मगर जी असल चीज़ सी ना खत्म हो गया। अच्छा मैनू यह दसो शाह साहब रिफत शाह साहब का जो नाम बनया कबूतरबाजी के फैसलाबाद अगर किसी असी बाहर जाइए फैसलाबाद का जिक्र आए तो सब तो पहले रिफत शाह साहब उस तो बाद चौधरी सदीक घंटा घर साहब रिफत शाह साहब जी उन्होंने नाम क्यों मशहूर होया किस तरह मशहूर होया वास्ते मशहूर है कि एक तो उन्होंने सच्चाई सी दूसरी उन्होंने कबूतर इस किस्म की परवास करके आते थे वो कह देंगे सी ना कि मेरा कबूतर फलाना 2 बजे बैठना है वो कबूतर 2 बजे ही बैठा है मैं उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपनी जिंदगी जी बचपन की सारी उन्हें गुजार वो कबूतर 2 बजे बैठा है अगर उन्होंने कहा कबूतर मेरा 4 बजे बैठेगा लोगों ने कहना नहीं नजर आता उपर वो कबूतर 4 बजे उस समान चो निकल के बैठा है जो मुँह गल जो मुँह कर दिते क्योंकि इस चीज़ की अगर समझते ने तो अपने चौधरी जमान साहब सुनते होंगे चौधरी जमान साहब को पुछ के देखो उन्हों की तारीफ उन्होंने जानवर की और उन्होंने हकीकत पुछ के देखो या भाई शफी डेथ हो गई है या तारक नू या खालिद नू या घंटाघर वाले किसी की मोहब्बत करते जानवर तो सिर्फ मेरी प्यार की मैंने शौक की वजह करके मरण तो कुछ अरसा पहले कह लगे तू शौक करना ही रखना ही ने तो मैंने जनाब वाला 2 जोड़े वो जेडे बाद आखिरी आने के 5 बजे बैठे थे उही जोड़े मैंने देते कहते यार सारी जिंदगी याद रखी ते संभाल के रखी क्या बस। बात क्या बात लो जी शाह साहब जट साहब एक और जोड़ा लैके आए ने माशाल्लाह शौक करानगे फरूक खान साहब जी खान साहब केड़ी वादी है भी शाह परवाज़ वादी है क्या बात देखो ना जन्म की निशानी सारे बुते लाल निशान भी आ गए ने फैसलाबाद काफी जगह परफॉर्मेंस कर रहे हैं और पट्टी कुछ दिन पहले पिछले जिम्मे वाले दिन ना रात रह गई कप विच देखो जी माशाल्लाह कबूतरी दी पलक और डोरे विच नूर हर चीज मतलब जिहड़ी मैं अगे गल कर रहा सी ए कबूतर अपनी तारीफ दे आप बादशाह ने कौन कौन का शौक करो अच्छा तुसी अगे मैं गल छटे कोई दिखा रहे थी कि शाह परवाज़ दी जिहड़ी नैचुरल चीज होंदी जी सारा देखो ना इहनां दे रिफ़िश मरहूम शाह साहब ने इहनां जब लोग कहंदे सी कि गोजरे वाले कबूतर दा ही पर हैगा वा लेकिन माशाल्लाह देखो ना तेरे सामने कबूतर ने बहुत सारे लोगों ने बनाया कबूतर शाह परवाज़ लेकिन इस कैटेगरी दे कबूतर नहीं होणगे और इम्तियाजी हैसियत रखदे ने इह कबूतर जिहड़े ने क्या बात देखो इहनां दी वाइब्रेशन देखो परां दी
ਕਿਆ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਜੀ ਕੁੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਦੀ ਦਾ ਫੂਲ ਦਰਾ ਅੱਖ ਸਿਰਫ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਥੇ माशाल्लाह जी माशाल्लाह दोस्तों शौक करो शाह परवाज दूसरे जोड़े का बिल्डर मादी उनका बैलेंस चेक कराओ जरा। अच्छा ये भी बिल्कुल मैं देख रहे हैं एक बड़ी नोट कर रहे हैं ब्रीडर होके बिल्कुल लाइट वेट कबूतर ने कोई वेट नहीं 60-70 ग्राम के सारे कबूतर ने देखो ना जी वजन इनके माशाल्लाह इनका कोई मतलब बैलेंस नहीं थोड़ा जा सर क्या बात है माशाल्लाह पंजे देखो जी माशाल्लाह पर चुक दे ना पर दोनों कट्ठे कर दो यूसुफ खान साहब आप गौर से देखें और ये पहचाने शायद आपको याद आ जाएगी कुमकुंडा बड़ा शायद इधर आना पड़ेगा आख अद दिखाओ अख 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 इधर पकड़ो कबूतर कबूतर दूसरे च पकड़ो इत्थे नहीं जी अब पहले आपको मादी का शौक करवा रहे थे और अब उसी किन्नर का शौक करवा रहे इतें रखो जट साहब हिला लो हाँ 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 बस इतें इतें ही रखो ले जी माशाल्लाह इस नर की भी आँख चेक करें हर चीज़ से माशाल्लाह कबूतर भरपूर है किसी चीज़ की इन कबूतरों में कमी नहीं है अल्लाह पाक ने हर चीज़ से नवाज दी यहाँ पे पता लगता है जी उस्ताद की मेहनतें और अली भाई का बड़ा अहम किरदार है इन चीज़ में जिन्होंने इस नस्ल को मेंटेन रखा हुआ अपने घर और हम दो चार जोड़ों का शौक करेंगे और भरपूर मज़ा लेंगे इंशाल्लाह इधर रखो देखिए जी माशाल्लाह चौंस कौन कुंदा रखो थोड़ा नहीं रखो नहीं जी माशाल्लाह पर का शौक करें वो ही बार वाले माशाल्लाह एक ही लचीज एक ही कुंदा बड़ा ही शानदार कुंदा लगा हर कबूतर को सिलाइयाँ देखें परों की बीच में से पर कबूतर ने झड़े में बगल माशाल्लाह देखें छेट जो शाह परवाजों में असल शाह परवाजों में ये चीज़ जो होती है डॉट्स माशाल्लाह पूरा पेयर पहले आपको पेयर चेक करवाया 25 नंबर शाह प्रवास अब दूसरा पेयर चेक करवा रहे हैं इंशाल्लाह बड़े रिजल्टेड बच्चे हैं जी इनके और इनकी चौथी से पांचवी बेड़ी मेरे पास घर माशाल्लाह जेठ में उड़ रही है बाजियों में हर फड़क 5 बजे के बाद बैठी है अब असू भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी और कल कप में भी छोड़ेंगे और अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह अब भी असू में भी शाम शाम की परवाजें होंगी उसकी दोस्तों माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों को मज़ा आ रहा होगा तो फरूख साहब नेट चला के चेक करो वीडियो क्लियर आ रही है मेरे तो दूर होकर देखो ना मेरा फिर अच्छा दोस्तों माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा था दोस्तों को बड़ा एमरजेंसी है लाइव चलाया हमने बड़ी रिक्वेस्ट की है ये हमारे साल अगे आ जाओ
हाँ जी ये हमारे जी माशाल्लाह बड़े बड़े अजीज अच्छे और बुजुर्ग कबूतरबाज उस्ताद हाजी आरिफ साहब जो कि 33 से 34 साल अपनी जिंदगी के सऊदीया में गुजार के आए अरबियों के पास, वहाँ भी इन्होंने कबूतरबाजी भी की है, जॉब शॉप भी की है। तो इनसे पूछते हैं कबूतरबाजी का क्या मकसद था, आप कब से कबूतरबाजी कर रहे हैं? मैं तो सन 65 से कबूतरबाजी कर रहा हूँ। सन 65 से आप कबूतरबाजी कर रहे हैं? कबूतरबाजी शौक कर रहा हूं। उस दौर में ज्यादा कबूतर कौन से उड़ते होते थे? ये कलसरे फिरोजपुरी ते ये शाहपरवाज बहुत अच्छी नस्ल है, यहाँ लाल मोती वाले ये 219 वाले मियाँ फरूख साहब मलक फरूख साहब के कबूतर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ये नस्लें बहुत पुरानी नस्लें हैं, आजकल ये मिलती नहीं है किसी के पास, ना किसी के पास है। जो आजकल क्या आप असू देख रहे हैं, जेठ देख रहे हैं, क्या आपकी जब आप बाजियां अपनी जवानी में लगाया करते थे तब भी यही मौसम हुआ करते थे या कोई मौसम में तब्दील हुआ? गर्मी बहुत पड़ती थी, अब तो गर्मी नहीं पड़ती है, जो एसी लगने हैं ये तो बहुत, अब हवा में काफी चेंजिंग आ गई। तो मतलब बाजियां आपकी जो बाजियां उड़ती थी उस वक्त में फैसला कितने बजे हो जाता था? 12 बजे 1 बजे 3:30 4 बजे लेकिन उस टाइम 1.5 रुपए की बाजी थी, शौक करते थे। अभी तो जुआ हो रहा है, ये तो कबूतरबाजी गलत मोड पे करें, लेकिन जब आपके दौर में होता था, दौर में कबूतरबाजी होती तो एक भाई बंदी में कबूतरबाजी, भाई बंदी में किसी का कबूतर आ जाता था, ये लोग कबूतरबाजी लगाऊंगा, ये शौक था। अभी तो ये शौक ही नहीं है, अभी तो वो 3 लाख 4 लाख 25 लाख 20 लाख तो युवा हो गया है। बाजी तो मिठाई की होती थी, 1 रुपया बाजी, 1 रुपया 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए बाजी, क्या बात, ये शौक था। अभी तो शौक नहीं, तो जुआ हो रहा है, कितने लाख के रुपए की बाजी। ले जी, ये थे उस्ताद हाजी आरिफ साहब, हाजी मुकीम सऊदी अरब से माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं, अपनी जिंदगी के उन्होंने 30 से 35 साल सऊदी अरब में गुजारे हैं और बड़ी ख्वाहिश रखते थे उस्ताद इम्तियाज जट साहब के कबूतर देखने में, और उनकी ही ख्वाहिश पे आज लाइव दिखाएं कबूतर, नहीं तो ज़िंदगी में आज तक जो कबूतर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ जट साहब ने अपने कबूतर कभी लाइव नहीं दिखाए। ये कबूतर माशाल्लाह लाहौर ये अपना चिन्योट जेलम गुजरात खानिया तक के पास, राणा के पास यही थे, राणा कादरी महरूम साहब पूरे शहर को कूट किए थे 1993 में। जी फरूख साहब क्या करें, राणा कादरी साहब की क्या हवाले बात करें? कादरी साहब को सर 92-93 में ये मेरे ख्याल में पूरे 25 घरों से बाजी और सबको कोर्ट किया था। ये वो कबूतर ब्लैंड एंड चली, ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड में फैसला की तारीख में ये बात शामिल है। पुराने जितने भी असाज़ा ग्राम में सबको इल्म होगा ये वो ब्रीड है माशाल्लाह। क्या बात क्या बात। अच्छा शाह साहब आप किस किस कबूतर का शौक करवा रहे हैं? ये भी शाहपरवाज है, इधर पकड़ो ऐसा बैलेंस ठीक रहेगा, थोड़ा उछल लेंगे, आख 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 पकड़ो सर साहब, ऐसा अच्छा पकड़ो, अख मैनू दिखाओ इस तरह, थोड़ा तिरछे करो मेरे नाल, खड़ो मेरे नाल इस तरीके। ले जी ये भी शाहपरवाज कबूतर है, माशाल्लाह शौक करें सब दोस्त इस कबूतर के, भी देखें डॉट्स देखें, रिंग देखें, आँखों का रिंग, एक आँखों पर बिल्कुल लाइन है ग्रे सी, ग्रे लाइन के नीचे नीचे ब्लैक लाइन है। लाओ ना चोर से लाओ ना, सिर्फ स्टिल जरा, बहुत ही शानदार माशाल्लाह कबूतर। क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। उन कुंदा सर नीचे लो, इधर वाले इधर चोर, थोड़ा डाउन कर डाउन कर ऐसे, ये नहीं जी माशाल्लाह। ये भी शाहपरवाज नगर का, इसका भी माशाल्लाह पर चेक करें, चोरी इम्तियाज जट साहब की एक बड़ी मुझे बात पसंद आई, हर कबूतर का पर माशाल्लाह कुंदा लाजवाब जी जी ये देखे माशाल्लाह, हर कुंदा कबूतर पर पहले पर से लेके आखिरी पर तक अंदर वाले पर सिलाइयाँ हर चीज़ माशाल्लाह काबिले तरीफ। और सबसे बड़ी अहम बात ये जो डॉट्स देख रहे हैं आप, ये बड़े कबूतर माने जाते हैं, कोई बड़े उस्ताद हों कोई, मतलब ये कबूतर सारी ब्रीडिंग के लिए काम करते हैं, जिस कबूतर में छिट आ जाए, और बड़े कम लोगों के पास ये बड़े उस्तादों के साथ जिन्होंने नस्लें संभाली हुई हैं, लोग पैसे लेके घूमते लेकिन वो कबूतर नहीं देते, इस तरह के माशाल्लाह कबूतर हैं।
और फ़ख्रे पाकिस्तान उस्ताद मियाँ अजीम नज़ीर साहब भी हमें वाचिंग करें माशाल्लाह, थैंक यू सो मच मियाँ साहब। बगले देखें माशाल्लाह, इनकी वाइब्रेट देखें कबूतर में, देखिए जी माशाल्लाह वाइब्रेट, क्या बात। अब फिर सब दोनों नहीं नहीं एक पहले जी माशाल्लाह पूरे जोड़ देखें कबूतर के बनावट ठीक ओके मतलब पहले अखाक तो शुरू करया करो नीचे ला नहीं जी, जो मैंने आपको पहले नर्स का शौक करवाया अब उसकी मादी का शौक करवा रहा हूँ और बड़ी तकलीफ़ दे रहा हूँ आज इम्तियाज़ जट साहब को और तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे हमें शौक करवाया और लाइव भी शौक करवाया। आज तक शहजोर साहब ने कभी लाइव शौक नहीं करवाया जी माशाल्लाह, बहुत शानदार ब्रीडर कबूतर, क्या बात है समाधि की भी। देखिए जी मादी के भी वही डॉट्स जो आपको पहले मैं जिक्र कर किया है, जो डॉट्स का माशाल्लाह अंदर वाले 10 पर बाहर वाले 10 पर और सेम तलवार स्ट्रेट बाहर को निकल रहे माशाल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह अखीर है जी कबूतरी भी दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब दोस्त इन्जॉय करें शौक को देखें, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ओके बस दिखाएं बाबा जी चुट से बैठ जाए बैठ जाए बैठे नहीं जी माशाल्लाह ये दूसरा तीसरा पेयर माशाल्लाह आपको चेक करवा रहा हूँ शाह परवाज़ का साथ हुए। ये माशाल्लाह जी नर है और ये मादा है। ओके बस चल ओके दोस्तों माशाल्लाह कल फैसलाबाद की चैंपियनशिप असू 2021 हो रही है, मेरी भी माशाल्लाह छत लिखी है, 3 कपों में मेरी एंट्री है 3 दिन एवरेज में, तो खुसूसी दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह आगे अल्लाह पाक रहमत करेगा। उम्मीद बड़ी है कि इंशाल्लाह दोस्तों को अच्छा रिजल्ट दिखाऊंगा आगे, जो अल्लाह को मंजूर हुआ जो मेरे नसीब में हुआ वो मिलेगा, जितनी की मेहनत की है उतना कुछ मिल जाएगा। तो बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, एक दो जोड़ों का और पेयर का आपको शौक करवाते हैं फिर इंशाल्लाह इजाज़त लेते हैं। फरूख साहब नंबर तो मिलाना जरा एक बड़े भाई का पूछिए की रिपोर्ट है, किन्ने कबूतर बैठे 354 पूरी जिंदगी सौदिया गुजारती है माशाल्लाह। सौदिया असल सौदियों को बहुत शौक है, हर किस्म की नस्ल का पता है। अच्छा अरबियों को पता है हर किस्म की नस्ल का, हर किस्म हमें नहीं इतना पता है जितना उनको पता है, ये टैडी हैं ये फिरोजपुरी हैं ये रामपुरी हैं ये नासी वाले हैं ये 219 वाले हैं ये अली शाह के हैं ये शेख सीबे के कबूतर हैं
सबका पता सऊदियों को अभी। तो सऊदियों में बाजी कैसे उड़ती है, क्या तरीके का बाजी? वो सब पैसे जमा कर लेते हैं, वो फिर कार ले लेते हैं एक नई, वो जो 40 छतें होती हैं वो सब पैसे जमा करके 5,000 रियाल 2,000 रियाल वो कार नहीं ले लेंगे, फिर बाजी उठाएंगे पहले दिन हर एक जुम्मे, फिर दूसरे जुम्मे, फिर तीसरे जुम्मे, जो पांचवें जुम्मे फर्स्ट आएगा उसको कार की चाबी देंगे, नाले खाना खाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा एंजॉयमेंट वाला शौक करते हैं इनके, बड़ा शौक, वो शौक से एंजॉय कर रहे हैं। आपने माशाल्लाह कभी अरबी को बाजी में कोई मसला मसाइल देखा है? नहीं, कभी? वो ऐसे वो कहते हैं जुआ ना खेलो, सब आदमी पैसे डालकर जमा करके खाना ले आओ, बकरा ले आओ, हेलो बकरा लेकर खाना खिलाओ, कितने जो जीत जाए तुम उसको मिठाई दो, और कौन कौन से दोनों कितने पे पैसा ना लगाओ, जुआ ना लगाओ, ये तो जुआ हराम है, वो ये कहते हैं कुरान और सुन्नत के साथ खाना, पैसा जमा करो सब खाना खिला दो दोस्तों को, किसी को पैसा ना दो, ये कहते हैं शौक है, ये कारोबार नहीं है। कितने बजे बैठे दोनों सऊदी अरब में? देखो और चलो मैं करता हूँ, कर ले बात, चार बैग है जी मलिक साहब। अभी शाहपुरवाज है जी सर, आज दिखा रहे हैं शो भी आपको शाहपुरवाज का, क्या बात है, ले जी माशाल्लाह, उससे शौक करें एक और शाहपुरवाज ब्रीडर कबूतर का। देखिए माशाल्लाह इसकी आंख डॉट्स, थोड़े से ब्राउन, फिर लाइट, फिर वाइट, फिर एक ब्रीक लाइन ग्रे कलर में, उसके साथ है बिल्कुल ब्लैक लाइन। पहले साल चला है मेरे पंजा ने, क्यों सारे छिपे बन गए पहले साल च, पहले साल का माशाल्लाह पट्ठा है जी, लाल मोतियां भी काटे से निकली है। हां जी बड़ा राव सही ने सही किया, पर मुंडे ने क्या अच्छा मियां सुनो इम्तिहान, मैंने कहा मैं दावत आनी है इम्तिहान में, क्या क्या बात है माशाल्लाह, दूजे दूजे कुंदे सच पकड़ो ना कबूतर, हूँ खोलो कुंदा माशाल्लाह जी, इस कुंदे का शौक करें, क्या बात है माशाल्लाह, क्या पर अल्लाह पाक ने लगा दिया इस पट्ठे को, इसमें भी माशाल्लाह देखो वाइब्रेट है, देखिए जी माशाल्लाह बगल, देखिए बगल के अंदर वाले 10 पार, पंजे दिखाने जी माशाल्लाह, पंजे चेक करें, पिंक डार्क पिंक पंजे हैं माशाल्लाह, ठीक नहीं जी, पहले आपको नर का शौक करवाया, अब उसकी मादी का शौक करवा रहा हूँ। जी माशाल्लाह मादी का शौक करें, कोशिश करूंगा
नीचे 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 हाँ थोड़ी जी बैलेंस करो ना इतनी जी माशाल्लाह ये भी पेयर शाबर आवाज का करो ना इतनी खान साहब मैंने लाइव चलाया था इस वजह से मैं आपकी कॉल नहीं ले रहा माजरत मैं आपको फ्री होके कॉल करता हूँ बैक चलो जी बाबा जी अख 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 ਛੁੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ 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 ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਪਰਵਾਰ ਹੱਲ ਆਇਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜੀ ਫੜਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਈ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰ ਬਰੀਡਰ ਮਾਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਕੋ ਉਸਕਾ ਨਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਤਾ ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਰੱਖੋ क्या बात बहुत ही ला माशाल्लाह शानदार कबूतर बिल्डर एक शाह प्रवास बहुत शुक्रिया बहू शाह जी अब माशाल्लाह इसके कुंदे का शौक करें थोड़ा बंद करो इतने और खोलो बस ये जी माशाल्लाह भी डॉट्स चेक करें इसके पार के अंदर भी वाइब्रेट है पूरे माशाल्लाह करो अब सिर्फ उस्ताद जी इधर क्या बात बस ओके जुड़ा पूरा हो गया हाँ जी जुड़ा बस ओके दिखाने हो ठीक है ठीक है नहीं दोस्तों बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का तो एक दफा फिर मैं उस्ताद इम्तियाज जट साहब का मलक फरूक साहब का उस्ताद हाजी आरफ साहब का जिन्होंने इतना अच्छा टाइम गुजारा और बड़ा अच्छा माशाल्लाह मज़ा आया गेट टू गेट का और हमारे बहुत ही सीनियर उस्ताद अपना रिफर शाह साहब जिन्होंने बड़ा टाइम दिया हमें बड़ी अच्छी रहनुमाई की बड़ा मज़ा आया बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का और जो दोस्त कब कल चैम्पियनशिप में उड़ रहे हैं पंजाब में उड़ रहे हैं हमारे फैसलाबाद से सब दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़